देख रहे हैं सच की आवाज NPS न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद जावेद। देखिए आज की अहम सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन 1 बजे मेरा बच्चा जो है सो नमाज को जा रहा हूँ, मुझे निकला हूँ। बोला कहाँ जा रहा हूँ? बोला यहीं घर पे नमाज पढ़ ले रही। बोला हम नहीं, नमाज में बाजू मस्जिद में पढ़ लेता हूँ, बोल के निकला। तो उसके बाद 1 घंटे 2 बजे के टाइम पे दो बच्चे आके मेरे को बोले घर पे। दो बच्चे वो स्कूल गए थे, मुजम्मिल और एक सोहेल, ये 16 16 साल के और अभी एक ही साथ के। तो बोला फिर ठीक है, बोल के क्या हुआ? बोले तो बैल बाजार में बेहोश होकर गिर गया। उन्हें बोलता हूँ बोला बेहोश होता होता मैं तुम्हारा लाना नहीं बोल के बोला हूँ। तो ठीक है आराम चल जाके लाएंगे। बोले तो गिरला भाग गए घर से। फिर मैं जो गाड़ी लेके निकल के बोला देखे तक नहीं है तो आया। इधर आने के बाद फिर धुना करा तो गली में थे। अरे यहाँ बच्चा गिर गया तो मेरा ही बेटा है बोल के मैं बोला। तो ठीक है देखो देखे तक बच्चा मर गया। इंतकाल हुआ। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम सरफराज है। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 16 साल। स्टूडेंट थे? हाँ स्टूडेंट है, स्कूल 9th क्लास में था बच्चा। 9th 8th क्लास चल रहा था, अभी 9th में जा रहा था अभी। आप मुकाम किधर के? श्री रामनगर, श्री रामनगर यूसुफगढ़ एरिया। ये इंसिडेंट जो का हुआ है, एरिया का नाम क्या है? ये एरिया का नाम ग्लास फैक्ट्री है, ये बब्बूगढ़ा ग्लास फैक्ट्री। तो ये होने की वजह आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं इसकी डिटेल्स पूरी नहीं मालूम। बच्चा जो है ना सोहेल बोल के इससे पहले भी स्कूल में रहो नकोच बोला उसको, नको आ रहे घर पे बोल के बोला भी मैं 2-3 मरतबा बोला उसको। उन्हें आने से जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ। उन्हें आया तो गाड़ी हमारे बच्चे का भी नहीं है, इसके पास सोहेल के पास गाड़ी है, गाड़ी लेके इधर उधर फिरना शुरू कर रहा हूँ। उसमें शौक में आगे इधर आ गया शायद उन्हें ट्रेन का धक्का लगने से। अब वो ट्रेन का धक्का लगा वो पीछे से लगा बोल के बोल रहा, पूरा वीडियो तो नहीं आया जी। तो ट्रेन का पास तो ठहरा हुआ था उन्हें।